यात्रियों को कैशलेस सफर की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नई हाईटेक ई टिकटिंग मशीनें शिमला स्थित निगम मुख्यालय में पहुंच गई हैं। मशीनों की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। ट्रायल के बाद 15 दिन के अंदर ही शिमला लोकल डिपो में इन मशीनों का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। प्रदेश के सभी डिपो में नई ई टिकटिंग मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। कैशलेस भुगतान की सुविधा शुरू करने के लिए HRTC ने 450 एंड्रॉयड टिकटिंग मशीनें खरीदी हैं। ई टिकटिंग मशीनों के जरिए यात्री UPI के अलावा गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या भीम ऐप से भी किराए का भुगतान कर सकेंगे। नहीं, वो तो कार्यवाही की जाती है, नियमानुसार की जाती है, और जब भी आते ऐसे मामले उनके ऊपर जो भी कार्यवाही बनती है वो हम करते हैं। अभी सर कोई और केस पाया गया जिसमें कनेक्टर टांका मारा? नहीं, जैसे हमारा एक जो है ना, मतलब जो है कंटिन्यूटी में चलने वाला प्रोसेस है, उसमें हम लोग जो है चेकिंग तो करते ही रहते हैं और कोई ना कोई केस भी मिलता ही रहता है, पर मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसमें कि बड़ा मतलब कोई बहुत बड़ा केस हो, सीरियस केस हो, ऐसा कुछ नहीं, चलते हैं, जो भी मिलता है उनके ऊपर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। नहीं, वो आज अभी यहाँ तो नहीं आई है, अभी उसको हमने मतलब जो ना मुख्यालय स्तर पे उनका मतलब काम चल रहा है और शायद वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे भी आ जाए। उससे मतलब निगम को तो फायदा है ही है, पर जो हमारे जो मतलब जो कम्यूटर होंगे उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा है कि वो मतलब जो है ना चेंज नहीं रखने से, कोई भी ऐसी जो है ना जैसे आती है कि मतलब किसी के पास जो है ना 500 का नोट है, 1000 का मतलब जो है ना 2000 का नोट है, वो भी इस तरह नहीं होगा, उसमें स्कैन भी होगा, उसमें जो है ना गूगल पे भी किया जा सकता है, उसमें जो है ना पेटीएम भी मतलब किया जा सकता है। पैसेंजर्स के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी जा रही है। आपको बता दें कि निगम की वोल्वो विद्युत चलित AC, नॉन AC, सुपर फास्ट और साधारण सभी श्रेणी की बसों में ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। 2010 में HRTC ने बसों में यात्रियों को मैनुअल टिकटें जारी करने के स्थान पर टिकटिंग मशीनों का प्रयोग शुरू किया था। मौजूदा समय में निगम के कंडक्टर लगभग 13 साल पुरानी मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब केसरी TV के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।